नीमच में सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज में 3 दिवसीय वसंत उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कॉलेज प्राचार्य एन की डबकुरा ने बताया कि बसंत उत्सव को लेकर जाजू कन्या महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन छात्राओं के लिए व्यंजन प्रतियोगिता, खेलकूद सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वहीं गुरुवार को विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें डांस, संगीत, लोक नृत्य की प्रस्तुति छात्राओं ने दी। इसके साथ ही युवा उत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाली छात्राओं को 17 फरवरी को मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देखिए, प्रति वर्ष हम यहाँ पर वसंतोत्सव मनाते हैं सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में, और उसका उद्देश्य है कि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको उभरने का अवसर मिले, जिस भी क्षेत्र में वो आगे जाना चाहती है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र में हो। तो इस प्रकार का आयोजन हम यहाँ पर 3 दिवसीय करते हैं। एक दिवस हम यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ करते हैं, साथ में मेहंदी है, रंगोली है, इस प्रकार की बच्चियों के लिए जो व्यंजन प्रतियोगिता है, इस प्रकार का आयोजन करते हैं। और आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और कल पुरस्कार वितरण होगा, जिसमें कि जो साल भर बच्चों ने गतिविधियों में भाग लिया है, हमारे की बहुत सी छात्राएँ राज्य स्तर पर भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में, युवा उत्सव में गई हैं, और उनको हम यहाँ पुरस्कृत करते हैं ताकि बाकी छात्राओं को भी प्रोत्साहन मिले और वो भी आगे बढ़ें। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि छात्राओं को तो हम प्रोत्साहित करते ही हैं, साथ ही जो अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है उन छात्राओं का भी हम सम्मान करते हैं, और विशेष रूप से जो छात्राएं हमारी बहुत अच्छी पोजीशन पर कहीं जाती है तो उनका एक अलग से कार्यक्रम रख करके हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको जनभागीदारी की तरफ से इनाम भी देते हैं। जैसे वाणी प्रावीण्य सूची में जो विक्रम विश्वविद्यालय की आती छात्राएं, उनको हम प्रथम आने वाली को 11,000 रुपये, द्वितीय आने वाली को 7,000 रुपये, बाकी कोई भी प्रोसीजन का है उसको 5,000 रुपये का नगर पुरस्कार जनभागीदारी की तरफ से देते हैं, ताकि छात्राएं एकेडमिक स्तर पर भी आगे बढ़े। केवल इसी प्रकार के कार्यक्रम में नहीं, हमारे यहाँ की छात्राएं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आगे बढ़ी है, मेरिट में भी आती है, तो उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। और जहाँ तक प्राध्यापकों का सवाल है तो प्राध्यापक हमारे सब लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे स्तर पर, कोई केंद्रीय अध्ययन मंडल में है जो कि नया शिक्षा नीति का सिलेबस बना रहा है, कोई जो है PhD के गाइड हैं यहाँ पर बहुत सारे जो कई PhD करवाते हैं, तो बड़े एकेडमिक स्टाफ यहाँ पर हैं, तो उनको भी समय समय पर हम प्रोत्साहित करते हैं। नीमच से पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।